पांच वाहनों की चोरी कर फरार आरोपी गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, सही सुन पा रहे हैं, ये दोनों आरोपी हैं जिन्होंने एक एक्टिवा, तीन मोटरसाइकिल और एक सोनालिका का ट्रैक्टर चोरी किया था। और चोरी करने के बाद ये अपने ही घर में ये सामान रखे हुए थे। उसके बाद जो SIA वन करनाल शाखा ने काफ़ी बड़ा कमाल करके दिखाया है, उन्होंने जो है एक महीने के अंदर ये की गई चोरियों को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बड़ी कामयाबी CIA वन करनाल शाखा को मिली है। और आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो है चोरों के हौसले काफ़ी ज़्यादा बुलंद थे, लेकिन उसके बाद भी जो है CIA वन ने एक कमाल करके दिखाया है, उन्होंने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप वोट्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक हमने नमस्ते चौक के पास से एक इश्तकार जो लडवा रहने वाला है उसको चोरी मोटरसाइकिल से गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ उसने दो मोटरसाइकिल और बरामद कराई, टोटल तीन मोटरसाइकिल इश्तकार से और एक एक्टिवा, दो मोटरसाइकिल इश्तकार से, एक ट्रैक्टर, एक मोटरसाइकिल सुरेंद्र से, टोटल पांच मुकदमे हमारे करनाल के प्रेस में। तो सोनालिका का ट्रैक्टर कहाँ से चोरी किया गया था? ये परसों इधर से पिंगड़ी चौक के पास से चोरी है। तो आप आज इनको अदालत में पेश किया? आरोपी दो ही आरोपी हैं इसमें या और भी इनके साथी हैं कोई जो गिरफ्तार कर? दो ही आरोपी हैं। चोरी एक तो पहले ही जो इश्तकार है तो पहले से ही चोरी के मामले में श्रीपुरा जेल में रहा है, मुजफ्फरनगर सहारनपुर करना। कई मामले दर्ज हैं? कई मामले दर्ज। दूसरा नया है। तो सर बेचने के इरादे से चोरी किया था ट्रैक्टर? हाँ, अगर नहीं पकड़े जाते तो बेचते भी आगे बेच देते हैं। तो खरीदार नहीं कोई मिला था इनको अभी तक? नहीं, अभी तक तो ये ट्रैक्टर तो परसों ही चोरी आया है, मोटरसाइकिल उसको दो दिन पहले चोरी हुई थी। दो दिन में ट्रैक्टर बरामद कर लिया? हाँ जी, दो दिन में ट्रैक्टर। बिल्कुल, ये CIA वन की एक बड़ी सफलता। सुंदर कुमार को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद आरोपी सुंदर कुमार से चोरी किया सोनालिका मोटरसाइकिल ट्रैक्टर और एक मोटरसाइकिल बरामद किया। और इसी तरह की दूसरी घटनाओं में एक दूसरे व्यक्ति आरोपी इश्तकार पुत्र नसीम वासी लाडवा जिला को भी गिरफ्तार किया स्पेशल एंटी व्हीकल थेफ्ट ने, और उससे भी एक एक्टिवा और दो चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए। तो क्या किस तरह से चोरी करते थे, क्या वजह थी इनके चोरी के पीछे? जो मुख्य कारण यही आया है कि जो स्प्लेंडर अपने मोटरसाइकिल्स हैं, लोग थोड़े सा अपनी मोटरसाइकिल को या तो पार्किंग में पार्क नहीं करते हैं या लॉकिंग लगाते हैं या एक्स्ट्रा लॉक सिक्योरिटी के नहीं लगाते हैं, इसका फायदा ये जो है जो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। तो क्या क्या इनके पास से बरामद हुआ है और सर कहाँ से बरामद हुआ? सुरेंद्र से तो मोटरसाइकिल जो सोनाली का ट्रैक्टर चोरी हुआ था वो बरामद हुआ है, और उससे एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है, और ये जो दूसरा है अपना इश्तकार से एक एक्टिवा और दो मोटरसाइकिल चोरी के बरामद। ट्रैक्टर एक बड़ा वाहन है, क्या रजिस्ट्रेशन नंबर था और किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा था अभी तक? ये नाकाबंदी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। हाँ, और उसके अभी तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पब्लिक से ये अपील करना चाहूँगा कि अपनी वाहन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लें, एक एक्स्ट्रा लॉक लगवा लें और निर्धारित पार्किंग प्लेसेज में पार्क करें, और यदि पॉसिबल हो तो आजकल GPS सिस्टम है, GPS सिस्टम भी अपने लगवा सकते हैं। क्या अभी कोई क्राइम हिस्ट्री है इश्तकार? इसके पास पहले भी इश्तकार के ऊपर पहले भी चोरी के कई मुकदमे लगे हैं। तो दो से तीन दिन में ये चोरियां हुई थी? नहीं, दो से तीन दिन में नहीं, ये तो इसी महीने की चोरियां हैं जी। तो अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? हाँ, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया और आज अदालत में पेश किया, जेल में छुड़वाएंगे। लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि कोशिश करें जहाँ पेड पार्किंग है तो अपने व्हीकल को पेड पार्किंग में खड़ा करें, कैमरे की निगरानी में खड़ा करें और पहिए में अगला लॉक लगाएं, और अगला लॉक लगाना नहीं लगता तो कम से कम उस लॉक को तो चेक करें जो इसमें लगा है जी। तो करनाल में जिन चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है उन्हीं चीज़ों की चोरियां बढ़ रही हैं, तो उसको लेकर क्या आपको नज़र आया कि क्यों ऐसी चोरियां हो रही हैं करनाल में? नहीं, तो जो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है ये मार्केट में ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा में फिर ज़्यादा ही चोरी होती है जी। अच्छी मोटरसाइकिल भैया, धन्यवाद।